वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल। मैं हूं कांक्षा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरे कुछ जो फेवरेट प्रोडक्ट है, ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट, या फिर जो मेरा परमानेंट स्किन केयर रूटीन है, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। उसका रीजन ये है कि मेरी स्किन टाइप को देखते हुए, क्योंकि मैं आपको हमेशा फोकस्ड क्लिप दिखाती हूँ, जब भी मैं कोई स्किन केयर प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ तो मैं आपको अपनी फोकस्ड क्लिप दिखाती हूँ मेरी स्किन की, फेस की स्किन की। और उसी तरीके से मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी मेरी स्किन भी एकदम वैसी ही है, आप मुझे बताइए कि मुझे कौन सा टोनर यूज करना चाहिए, कौन सा आप फेस वॉश यूज करते हो, कौन सी क्रीम यूज करते हो, या फिर कुछ लोग पूछते हैं कि आपका CTM क्या है, और कुछ लोग पूछते हैं कि एक्टिव एक्ने होने के बाद हम क्या करें, कौन सी एकदम इफेक्टिव हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी है। सो गाइज, ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो कि इंडिविजुअली, एक तो मेरे लिए इजी हो जाएगा क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को इंडिविजुअली भी जवाब दिए हैं, लेकिन हाँ, अभी भी अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो मैं आज आपके साथ मेरा पूरा का पूरा जो मेरे फेवरेट्स हैं वो बताने वाली हूँ। इसमें कोई एक ब्रांड शामिल नहीं है, बहुत सारी ब्रांड है, तो मैं आपको ये सब कुछ बताने वाली हूँ। इससे बहुत सारे लोगों को शायद हेल्प मिलेगी जिनकी स्किन टाइप बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे जैसा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हो और आपको नहीं पता मेरी स्किन टाइप क्या है, तो गाइस मेरी स्किन हाईली सेंसिटिव है, ऑयली है और एक्ने प्रोन है। और एक्ने आने के बाद कोई रीजन नहीं है एक्ने आने का, एक्ने आने के बाद उसके स्पॉट्स रह जाते हैं जो कि बहुत जिद्दी दाग रह जाते हैं। इस टाइप की मेरी स्किन है और मैं कोई भी रैंडम फेस वॉश यूज नहीं कर सकती, कोई रैंडम मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर सकती हूँ, कोई मैं रैंडम फेस मास्क यूज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक्ने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेस वॉश से। सो गाइज, मेरे जो फेवरेट फेस वॉश है, सो फर्स्ट नंबर पे आता है प्लम का पोर क्लेंजिंग फेस वॉश। जी हाँ गाइज, इसकी ये मेरी सेकेंड ट्यूब चल रही है, ये खत्म हो गया है। और उसके बाद मेरे पास है वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा फोमिंग फेस जेल, जो कि आधा मैंने खत्म कर दिया है। तो जो भी मुझे हाथ लगता है मैं वो यूज कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, इस फेस वॉश के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें इस टाइप के ये सिलिकॉन के इसमें ये जो सिलिकॉन की टिप है, इसकी वजह से ना मैं इसे यूज नहीं करती। मैं इसे सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक बार यूज करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ये आप लोगों के लिए भी टिप है, तो अगर आपके पास भी ऐसे वाला ब्रसल वाला कोई फेस वॉश है, उसे आप ना रोज नहीं यूज करें। ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं बहुत ईजिली, ये देखिए, ये निकलने के बाद भी वैसा ही काम करता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में एक बार इसके साथ फेस वॉश करती हूँ, जिससे कि मेरी स्किन पे जो भी डेड सेल्स हैं वो सब निकल जाए। उसके अलावा रोज में दो बार अगर मैं फेस वॉश करती हूँ तो सिर्फ उसे फेस वॉश से करती हूँ। ये मुझे टिप देना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे मेरी स्किन पे मैंने फील किया है कि इससे हो सकता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाए या फिर रैशेस दिखाई देने लगे। कोई हार्म नहीं होगा क्योंकि मैंने इसके साथ भी, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, कुछ हार्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये एक टिप है जो कि मेरी पर्सनल टिप है। ठीक है, तो ये हो गए दोनों फेस वॉश। उसके बाद हम बात करते हैं मेरी मॉइस्चराइजर, मेरे टोनर की। सो गाइस, टोनर मैं सिर्फ और सिर्फ एक यूज करती हूँ, मिराबेला का, और ये मेरी फोर्थ बॉटल है। इसके अलावा मैंने आज तक कोई भी टोनर यूज नहीं किया। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा, एक्चुअली मैंने बहुत सारे यूज किए हैं लेकिन कोई मेरे ऊपर काम नहीं किया। उसमें कामा आयुर्वेदा का रोज वाटर है और वेटेवर वाटर है, कामा आयुर्वेदा, मतलब बहुत सारी ब्रांड मैंने यूज की है और कोई मेरे लिए काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ मिराबेला का ग्रीन टी लेमन स्किन ब्राइटनिंग फेस टोनर, जिसकी अभी ये चौथी बॉटल चल रही है जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो गई, सिर्फ इतना सा अभी इसमें बचा है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टोनर। सिर्फ और सिर्फ एक टोनर है ऐसा जो कि एकदम परफेक्ट है मेरे लिए, मेरी स्किन पे। एक्चुअली मेरा जो स्किन कंसर्न है वो है ओपन पोर्स, और ये ओपन पोर्स में भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर मैं ये यूज नहीं करूं तो मेरे जो ओपन पोर्स है वो विजिबली दिखाई देने लगते हैं, विजिबल हो जाते हैं, जबकि इसके रेगुलर यूज से काफी वो मतलब ठीक रहता है। मुझे ये बहुत पसंद है, दिन में रात में 3 से 4 बार मैं इसे यूज करती हूँ। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं मेरी फेवरेट मॉइस्चराइजिंग क्रीम की, मतलब जो मैं यूज करती हूँ। सो गाइस, फर्स्ट नंबर पे आती है मामा अर्थ की स्किन प्लम्प फेस सीरम। इसका मैं रिव्यू कर चुकी हूँ और ये मेरी सेकेंड बॉटल है। ये अभी अभी जस्ट मैंने शुरू किया है, तो ये मेरा रिपीटेड प्रोडक्ट है मामा अर्थ का। पहला प्रोडक्ट ऐसा है जो कि मैंने रिपीट किया है। सो स्किन प्लम्प फेस सीरम परफेक्ट है गाइस, कोई इसके साथ मुझे इशू नहीं हुआ है आज तक भी। ये जो क्लेम करता है वो तो इसमें नहीं किया, मतलब ये क्लेम करता है फाइन लाइन्स को रिड्यूस करेगा और ओपन पोर्स को भी रिड्यूस करेगा। ओपन पोर्स पे इसने कोई हेल्प नहीं की, फाइन लाइन्स मैंने देखा है इसका रिडक्शन, आपको ऊपर लिंक मिल जाएगा। मैंने आपको लाइव रिजल्ट्स में दिखाया है, लाइव क्लिप दिखाई है 15 दिन यूज करने के बाद की, एक्चुअली मैं आपको विजिबल रिजल्ट दिखाई देंगे इस क्रीम के। सो ये हो गया पहला। उसके बाद जो सेकेंड है वो है एलोवेरा वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा मल्टी विटामिन फेस क्रीम, जो कि मैं रोज यूज कर रही हूँ। सो गाइस, मैं दिन में 2 बार
मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, दो बार फेस वॉश करती हूँ, तो एक बार मैं ये लगाती हूँ और दूसरी बार मैं ये लगाती हूँ, दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। इसकी खास बात ये है कि अगर आपने कभी प्राइमर, मतलब आपको पता ही होगा प्राइमर जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होता है ना, इसका इफेक्ट एकदम वैसा ही है, कोई ब्रेकआउट नहीं होगा, मतलब ब्रेकआउट तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं यूज कर रही हूँ डेली तो मुझे सबसे ज्यादा ब्रेकआउट की ही प्रॉब्लम है, मेरी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है। तो गाइज ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, मतलब ऑसम है एक। इसके बाद अगर मैं कुछ भी अपने फेस पे लगाने की सोच सकती हूँ तो वो है ये वाओ एलोवेरा मल्टीविटामिन फेस क्रीम। अभी तक मैंने इसका रिव्यू नहीं किया है, बट बहुत जल्दी मैं इसका रिव्यू करने वाली हूँ। तो ये होगा मेरे दो फेवरेट मॉइस्चराइजर दिन के टाइम के। और अगर मैं रात में बात करूँ तो टोनिंग के बाद मैं यूज करती हूँ मामा अर्थ की ओवरनाइट रिपेयर नाइट क्रीम, जो कि अभी एक महीने से ज्यादा हो गया है यूज करते हुए, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा आता है, 50 ग्राम आता है ये, तो अभी काफी दिन चलेगी। तो ये मेरा हो गया रात का मॉइस्चराइजर टोनिंग के। तो रात का रूटीन है मेरा, रात में सेंसिटिव स्किन एरोमा मैजिक का जो सेंसिटिव स्किन फेशियल ऑयल है वो, और उसके बाद ये टोनिंग, देन फेशियल ऑयल और देन मॉइस्चराइजर। तो ये मेरा रात का रूटीन है जो कभी अभी तक तो नहीं बदला है। इसके बीच बीच में अगर मुझे रिव्यू करना पड़ता है तो मैं कोई प्रोडक्ट ऐड कर लेती हूँ, और अगर वो इनसे बेहतर मुझे कोई मिल गया तो मैं वो ऐड कर लूंगी, लेकिन हाँ अभी तक मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं मिला है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं सनस्क्रीन की। तो दिन में सिर्फ मैं सनस्क्रीन दिन में ही लगाते हैं, तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट सिर्फ और सिर्फ एक सनस्क्रीन आज तक मुझे सूट की है, वो है वाओ स्किन साइंस की SPF 55 मैं यूज करती हूँ। और गाइस ये इतनी ज्यादा अच्छी है कि गर्मियों में भी ये आपको ना ही तो पसीना लेके आएगी, पूरा दिन आप फ्रेश फील करोगे, जबकि ऑयली स्किन वालों की ना ऑयल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इससे बहुत ज्यादा फ्रेश रहती है मेरी स्किन, मैटिफाई रखती है ये पूरा दिन, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मतलब मेरी फेवरेट है। और ये मेरी सेकेंड ट्यूब है, क्योंकि छोटी सी थी तो पहली खत्म हो गई, ये मेरी सेकेंड ट्यूब है। तो ये हो गया मेरा, ये हो गई सनस्क्रीन। उसके बाद अंडर आई जेल, अंडर आई जेल मैं यूज कर रही हूँ एम कैफीन का नेक्ड एंड रॉ कॉफी अंडर आई क्रीम। इसका मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया है, इसका भी मैं बहुत जल्दी रिव्यू करूंगी। इसकी खास बात ये है तो ये डार्क सर्कल के लिए तो हेल्पफुल है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग की पफी हो जाती है ना आईज, मतलब सुबह उठते हुए फूली हुई लगती है, एकदम फ्रेश नहीं लगते, उसमें भी ये काफी हद तक हेल्पफुल है, तो इसलिए मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अब आ जाते हैं मास्क पे। तो गाइज मेरा नाइट का मास्क है ये वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा स्लीपिंग पैक। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पैक है, स्लीपिंग पैक एक्चुअली, इसके अलावा मैंने कोई यूज नहीं किया और ये मुझे बहुत अच्छे से सूट किया है। मैं हफ्ते में सिर्फ उसे दो बारी से यूज करती हूँ, और जरूरी नहीं है कि मैं इसे रात में यूज करूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं इसे रात में यूज नहीं करती, मैं दिन में जब सोती हूँ तब मैं इसे लगा के सोती हूँ। तो ये मेरा हो गया स्लीपिंग पैक वन ऑफ द फेवरेट। तो एक्चुअली मैं एलोवेरा जेल यूज नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाओ स्किन साइंस का एलोवेरा स्लीपिंग पैक यूज करती हूँ। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी स्किन पे एक्टिव एक्ने आ जाए, किसी भी प्रोडक्ट से आपको एक्टिव एक्ने आ सकता है, मतलब एक्ने आ सकता है, उसके बाद मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है मेरे पास, वो है प्लम का ग्रीन टी क्लियर स्पॉट लाइट जेल, जो कि इस टाइप की ट्यूब में आता है। ये इजी टू यूज टाइप की पैकेजिंग है। आपको क्या करना है, जहां पे भी आपको एक्टिव एक्ने आए, जो बहुत ज्यादा पेन कर रहा हो, फूलता जा रहा हो, रेड हो गया हो, उस पर आपको बस डायरेक्टली इसे लगा लेना है। इसका भी मैंने रिव्यू किया है और उसमें मैंने आपको क्लिप दिखाई है एक एक्ने के फॉर्मेशन से लेके उसके सूखने तक की, और गाइस ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि ये आपके स्पॉट को क्लियर नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एक्ने को बहुत जल्दी बहुत कम टाइम पे सुखा देगा, लेकिन सूखने के बाद आप इसका यूज छोड़ दें, क्योंकि ये आपका जो दाग होता है ना उसे ब्लैक कर देता है, उसे ये घटाता नहीं है, फेड नहीं करता, इवन वो रेड से ब्लैक हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एक्ने जब तक आपका हो तब तक आप इसे लगाएं। तो आजकल मैं इसे नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे थैंक गॉड कोई भी एक्टिव एक्ने नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं फेस मास्क की। तो मेरा फर्स्ट फेवरेट फेस मास्क है मामा अर्थ का नीम फेस मास्क विद नीम एंड टी ट्री। और गाइस ये मेरे जो दाग धब्बे होते हैं ना उसे भी फेड आउट करने में हेल्पफुल है। एक्चुअली मेरे दाग धब्बों को फेड आउट करने में वाओ स्किन साइंस का ये जो एलोवेरा मल्टीविटामिन फेस क्रीम है ना, इससे भी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जितने भी अभी रिसेंटली मामा अर्थ की जो विटामिन सी वाला फेस सीरम आया था ना, उससे जितने भी मुझे दाग धब्बे आ गए थे और एक्टिव एक्ने आ गए थे ना, इसे यूज करने से वो काफी फेड आउट हो गया है। तो गाइस ये है फर्स्ट नंबर पे फेस मास्क। उसके बाद सेकंड नंबर पे है नायका का क्ले इट कूल एंटी एक्ने क्ले मास्क। तो ये दो क्ले मास्क हैं जो कि मैं हफ्ते में एक बार यूज कर ही लेती हूँ।
ठीक है। तो ये मैं हफ्ते में दो बार यूज करती हूँ सोते टाइम पे, मास्क हो गए। अगर आपको एक्टिव एक्ने आ जाए उसका भी मैंने सोल्यूशन बताया है प्लम वाला, लेकिन इसका मैंने रिव्यू किया था और रिव्यू के नीचे कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे ये थोड़ा सा महंगा है, उसमें आप ही लोगों ने बहुत सारे मुझे और भी सजेस्ट किए हैं इसके सोल्यूशन, तो आप वहां पर जाके भी चेक कर सकते हैं। मेरा फेवरेट ये है। उसके बाद दिन का मॉइस्चराइजर, ये दोनों मैं दोनों यूज करती हूँ, एक टाइम पे ये एक टाइम पे ये। रात का मॉइस्चराइजर मामा अर्थ की ओवरनाइट क्रीम, फेशियल ऑयल अरोमा मैजिक का सेंसिटिव स्किन, काफी खत्म हो गया सिर्फ इतना सा बचा है। उसके बाद अंडर आई जेल एम कैफीन की नेक्ड एंड रॉ कॉफी अंडर आई जेल, फेस वॉश प्लम एंड वाउ स्किन साइंस टोनर सिर्फ और सिर्फ एक, सनस्क्रीन सिर्फ और सिर्फ एक। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अब आपके जो सवाल हैं उनके जवाब मिल गए होंगे। मैंने अपना एकदम ऑनेस्टली बताया है, सारी की सारी मैंने ब्रांड्स आपके सामने रखी है और इनसे मुझे क्या क्या फायदा हुआ है ये भी मैंने आपको बताया। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ होगा, फायदा होगा मेरी इस वीडियो से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय।